चलिए अब वो कहानी कि तीन गेंद पर मैडम तीन विकेट तो गिरते हैं बिल्कुल, मगर हैट्रिक नहीं मिलती। भुवनेश्वर कुमार का ओवर था जी, गुजरात की पारी में आखिरी ओवर था, तो 19.1, 19.2 और 19.3 इस ओवर को भुवनेश्वर कुमार करते हैं, चार विकेट लेते हैं इस ओवर में, तीन गेंदों पर तीन विकेट गिरते हैं, सिर्फ दो रन मिलते हैं, मगर हैट्रिक भुवनेश्वर कुमार के खाते में नहीं आती है, वो हैदराबाद के खाते में जाती है, बिकॉज ये टीम हैट्रिक थी। यहाँ पर पहली गेंद पर वो उन्होंने शुभमन गिल को कैच आउट करवाया, दूसरी गेंद पर उन्होंने ओवर की राशिद खान को विकेट के पीछे विकेट कीपर के पास कैच आउट करवाया, और तीसरा विकेट जो था वो नूर अहमद का था, मगर वो एक रन आउट था, इसीलिए भुवनेश्वर कुमार को हैट्रिक नहीं मिली, उनके नाम हैट्रिक नहीं चढ़ी, हालांकि फाइफर उन्होंने लिया है इस मैच के अंदर। ये टीम हैट्रिक काउंट की जाती है, हैदराबाद के लिए टीम हैट्रिक हो गई, इस सीजन की पहली टीम हैट्रिक है। हैट्रिक तो अभी इस सीजन अभी तक किसी ने लिए नहीं। राशिद खान को कैच आउट कराया था जी, और राशिद खान ने क्या किया बदले में, उनका कैच ले लिया, पकड़ लिया, हिसाब बराबर तो हिसाब बराबर हो गया और पैसा वसूल हो गया। अब हैदराबाद अपना रास्ता देखे और जीटी अपना रास्ता देखे। चलिए, ये दूसरी बार था वैसे जब भुवी ने फाइफर लिया है टूर्नामेंट के अंदर, तो भुवी की तारीफ करनी होगी, गेंदबाजी उन्होंने बहुत अच्छी की, बल्लेबाजी अच्छी की, मगर ना वो एक कहावत है ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बिल्कुल ये जो लाइन है ना इतनी फिट बैठती, मैं एक्चुअली यही बोलने वाली थी अभी, पता है, कोई बात नहीं, मगर आपने मेरे क्रिटिसिज्म का वो देखा क्या, मतलब जब भी आपका मेलो डाउन हो गया, नहीं जब भी मैं क्रिटिसाइज करती हूँ उसी दिन वो प्लेयर अच्छा कैसे खेलता है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, जिस दिन को इन्होंने क्रिटिसाइज किया ना वो अच्छा प्रदर्शन करने लगे, अच्छा प्रदर्शन करने लगे, बस एक पर मेरी बात ना फिट नहीं बैठ रही, किस पे, कोई बात नहीं, इंग्लैंड के कई खिलाड़ी ऐसे आए हैं जो अब पैसे बटोर के ना सूटकेस में भर भर के लेके जाएंगे, ठीक है, बेन स्टोक्स भी उनमें से एक है, एग्जैक्टली, और उनको वो तो कुछ कह भी नहीं सकता, उनको वो तो खेल ही नहीं रहे, वो तो खेल ही नहीं रहे। चलिए, मगर जो टीमें खेल रही है उनका क्या हाल है, अंक तालिका में क्या क्या खेल हो गया है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब ये अंक तालिका का खेल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, आखिरी चार जो है वो अंक तालिका के अकॉर्डिंगली ही चुने जाएंगे जो प्ले ऑफ्स खेलेंगे, तो अंक तालिका आपको दिखाते हैं, पहले टॉप फाइव और उसके बाद बॉटम फाइव। चलिए, आ गई है अंक तालिका हमारे पास, पहले टॉप फाइव दिखाते हैं। नंबर वन पे जीटी क्वालिफाइड, ये देखिए ये हमने नया बनाया है, ब्रैकेट में आ गई है क्वालिफाइड, यानी कि पूरी तरीके से कंफर्म है इनकी सीट, 18 पॉइंट्स के साथ नंबर वन पे विराजमान है, 0.835 इनका नेट रन रेट है। नंबर टू पे सीएसके है, 13 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 15 पॉइंट्स इनके पास है, 0.381 है इनका नेट रन रेट। नंबर थ्री पे एमआई बनी हुई है, जहां इन्होंने 12 मैचेस खेले हैं, 14 पॉइंट्स इनके पास है, -0.117 इनका नेट रन रेट है। नंबर फोर पे एलएसजी है, 12 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 13 पॉइंट्स इनके पास हैं, 0.309 इनका नेट रन रेट है। नंबर फाइव पे आरसीबी है, 12 मैचेस इन्होंने भी खेले हैं, 12 पॉइंट्स इनके पास भी हैं, 0.166 इनका नेट रन रेट है। और कुणाल, नंबर थ्री पे है एमआई, कल एमआई का मैच है एलएसजी से जी, देखिए तीसरे और चौथे नंबर की टीम और दोनों के 12 मैचेस, एक के 14 अंक दूसरे के 13 अंक, अगर एलएसजी दो मैच और जीतती है तो 17 पे पहुंचती है, मतलब 16 का बेंचमार्क क्रॉस करती है, और एमआई भी, एमआई के पास थोड़ा सा कुशन है, वो दो में से एक मैच जीत के भी 16 को टच कर सकते हैं। लखनऊ में ये मुकाबला है जहां पर अदब से हराएंगे जो है स्लोगन बोला जाता है, मगर अदब से खुद हार रहे लखनऊ वाले वहां पर, तो ये बड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा। राइट, चलिए टॉप फाइव के कौन कौन सी टीम थी ये तो हमने दिखा दिया आपको, अब हम बात करेंगे बॉटम फाइव के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया है। नंबर छह पे आरआर बनी हुई है, 13 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 12 पॉइंट्स इनके पास हैं, 0.140 नेट रन रेट है इनका। नंबर सेवन पे केकेआर बनी हुई है, जहां इन्होंने 13 मैचेस खेले हैं, 12 पॉइंट्स इनके पास हैं, -0.256 इनका नेट रन रेट है। नंबर एट पे पीबीकेएस है, 12 मैचेस खेल के 12 पॉइंट्स इनके पास हैं, -0.268 इनका नेट रन रेट है। नंबर नाइन पे एसआरएच है, एलिमिनेटेड, ये भी हमने आज ही बनाया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बड़े बड़े एकदम कैप्स में, एलिमिनेटेड मतलब प्ले ऑफ की रेस से टेक्निकली बाहर हो गई है। 12 मैचेस इन्होंने खेले, 8 पॉइंट्स इनके पास है, -0.575 इनका नेट रन रेट था। नंबर 10, अभी था हो गए, पास्ट टेंस कर दिया मैंने इनको, नंबर 10 पे डीसी बनी हुई है, अभी भी एलिमिनेटेड बड़े बड़े अक्षरों में है ना, 12 मैचेस के बाद इनके भी 8 पॉइंट्स ही रह गए, -0.686। तो अब बॉटम के दो तो निकल गए बिल्कुल, तो अब ये है लेखा जोखा पॉइंट टेबल का,